ये देखिए भाई किस तरह से खैर मकदम हो रहा है आज। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत शुक्रिया भाभी। ओ बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर। माशाल्लाह शुक्रिया हमारे लिए, अल्लाह होप कामयाबी आ जाए, खुशियां आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। देखिए माशाल्लाह किस तरह से खत्म हुआ। भाभी को तो मेहमान नवाजी में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी हुई देख के। पता नहीं कब नसीब होगा हम लोग भी ज्यारत करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम लोगों ने पूरी कोशिश की है हर चीज की ज्यारत हम लोगों को कराई है। ऐसा लोग भी होता है ना, सब देख ले, सब देख ले, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। और जिस तरह दुआएं की हैं ये तो वाकई काबिल तारीफ बात है। ऐसी जगह पर जाके याद रखना सब नाम बनाम सबके जो है वो। नहीं वो अरे बाप रे, ये देखिए एक और आ गई है मेहमान। माशाल्लाह आज भी तुमने इतनी तकलीफ। मुबारक हो डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब की वाइफ को। अरे हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा आप ही आ जाइए मेरी पूरी फ्रेंड को साथ। देखिए स्टेटस अपडेट। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह से अल्लाह मुबारक करे। क्या नाम, उमरा मुबारक। बुके लेके इसमें आई डॉक्टर साहब की मैरिज एनिवर्सरी है। हमेशा खुशी रहे, आबाद रहे, अच्छा सा माशा इंटरनेशनल लेवल पर डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल बनेगा इस्टेब्लिश हो और इंशाल्लाह बहुत अच्छे दाम आ गए। कम्प्लीट हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया। खाने का नंबर नहीं आ रहा है। अल्लाह हमेशा दूल्हा दुल्हन बनाए देखिए असली केक लिया क्या ही एनिवर्सरी का, बहुत खुशी हुई। भाभी नन्नू और बच्चों सबकी मोहब्बत हो, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश करम। हम लोग को ये याद रखा दुआओं में डॉक्टर साहब और उनकी बेगम ने, हमेशा हम लोग के लिए ये साधमंद हम लोग हैं। बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर बेगम साहब को। हैप्पी उम्रा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हमेशा जिंदगी खुशहाल रहे दोनों की। थैंक यू बच्चों, आपने मेरे इतना अच्छा केक भेजा। हां भाई, केक खिलाओ तो भाई, तुम आके खिलाओ ना। नहीं वो नहीं, मैं खाने दो भाई, दूल्हा दुल्हन को खिला देंगे। अब आप ही खिलाएंगे। अरे आप आइए पहले, अभी आइए नन्नू, आइए नन्नू आए। अरे पहले बेगम को आप खिलाइए। खिला दिया, हो गया, बहुत बहुत मुबारक है। अब अस्मी को भी खिला दीजिए। हाँ अस्मी आओ। चलो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक माशाल्लाह। आए भाई अस्मी और मेरे हाथ से भी बच्चों तो आई नहीं कि उन्हें भी खिलाते। बच्चों की तबीयत बहुत खराब है। अरे नहीं, हमने खा लिया, हमने खा लिया, आप खाए। हाँ मुबारक हो भाई। असल में बहुत बहुत भाई दोस्तों, भाभी ने बहुत जबरदस्त डिनर खिलाया। भाभी थैंक यू वेरी मच। और भाई शर्मिंदा ना करो, कुछ नहीं कर पाए, बस तुम लोग आए, हमें बेहद खुशी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। नन्नू ने भी पूरा साथ दिया खाने में। तो बहुत अच्छा हम लोग का टाइम रहा आज। और जेबू अलीना और सानिया तुम लोगों को मिस किया गया हम लोग का। तो हम लोग भी मिस करते हैं महा को, शीजा को, जवेरिया को, तीनों को मिस करते हैं। हाँ, ये वक्त तो है, अब जल्दी से ये टाइम गुजरे, सब एक साथ हो जाए। हम तो कहते हैं कि वो वक्त आए, बिल्कुल इंशाल्लाह के सब साथ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है।
तो यही अभी देखें रात गुजर चुकी है, एक बज रहा है रात का, लेकिन पता नहीं लग रहा है, इतनी अच्छी बातें चल रही है। डिनर खिला दिया, चाय पिला दी, मैंने दो दो पान खा लिए हैं और वक्त जो है वो इतनी तेजी से दौड़ गया, पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा, अभी ये चाह रहा है कि और बातें वहां की सुन रहे हैं, अभी दिल नहीं भरा है। हाँ, बच्चों और अस्मी, अस्मी केक लेकर आई थी, बच्चों ने भेजा था और अस्मी ने बहुत खूबसूरत एनिवर्सरी का केक, उम्रा और एनिवर्सरी दोनों को याद रखा गया है भाई। तो बहुत शुक्रिया भाई, बच्चों अस्मी आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो भाई आज के दावत का सेहरा सारा उसका भाभी के सर जाता है, यहाँ पे आके माशाल्लाह एक लड़ी मेरी भी सेहरे की एक लड़ी मेरी भी आके पूरा उसका वो है उन्होंने इतना टाइम निकाला, अपना कीमती वक्त दिया भाई यहाँ पे आके और कबूल की हम लोगों की दावत। अरे नहीं, भाभी आप लोगों की दावत मिले, हम तो सऊदी अरब में थे, वहीं से हमें आ गया था, बुक कर लिया था कि 10 तारीख का जो संडे है आप लोगों को भी साथ डिनर करना है। हाँ तो भाई शुक्रिया है भाभी, शुक्रिया इतनी अच्छी इवनिंग हुई और जेबू सानी और अलीना से वीडियो पे बात तो हुई, मगर ये कि तुम लोग होते तो बेटा और अच्छा लगता। और रश्मि का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा केक लेके आई। बच्चों आपका शुक्रिया भी आपकी मोहब्बत, और अल्लाह मियां हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और जो जो जाना चाहता है अल्लाह मियां उसको ले जाए ज़ियारतों पे और खाने काबा की और मक्का मदीना की ज़ियारत करे। सब हम लोग भी सबके लिए दुआ करें और खुद दोबारा जाने की भी बहुत ख्वाहिश है, लगता है तो बहरहाल अल्लाह मियां सबको कबूल करे। और ऐसी मुतवज्जिक जगह है कि जिससे आदमी का दिल भरेगा, सही बात है, दिल और ज्यादा प्यास जैसे कहते हैं ना कि प्यास और ज्यादा ताजा हो जाती है। तो बहरहाल शुक्रिया, अल्लाह मियां सबको अच्छा रखे, थैंक यू भाभी, हम ही बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।